नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर इस बार राजस्थान दिवस समारोह लाभार्थी उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। तैतीसवीं राष्ट्रीय तरल बारबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के करण सिंह गुर्जर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेवर का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं केरल ने महिला और सर्विसेज ने पुरुषों में ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। महिला वर्ग में हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भगवान राम केवल लकड़ी या पत्थर की मूर्त नहीं बल्कि भारत की पहचान। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार अस्पतालों स्कूलों का निर्माण करेगी, उद्योग स्थापित करेगी और मंदिर भी बनाएगी। रक्षा मंत्री रामनवमी के अवसर पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यूपी के रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की छानबीन विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। स्वार सीट पर सपा नेता आजम खां का प्रभाव रहा और यहां से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक रहे। अब भाजपा इस सीट पर भी जीत हासिल करने की रणनीति बना रही है। राजधानी जयपुर में प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SMS हॉस्पिटल के सर्जरी विभाग में 3 मरीजों का रोबोटिक तकनीक से सफल ऑपरेशन किया गया, जिसमें गॉल ब्लैडर में पथरी और हर्निया के ऑपरेशन शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान के 10 जिलों में बारिश की चेतावनी दी है। हल्की बारिश और अचानक तेज हवाएं जिनकी स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है। जयपुर, दौसा, अलवर, बूंदी, कोटा, झुंझुनू, सीकर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा जिलों और आसपास के क्षेत्रों में बारिश होगी। शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में वीरवार को नवमी के दिन कन्या पूजन, हवन, यज्ञ वाद यंत्रों की ताल पर पूजा अर्चना के साथ चैत्र नवरात्रों का विधिवत समापन किया गया। इस मौके पर SDM डॉक्टर संजीव शर्मा, DSP विकास धीमान व न्यास के अन्य सदस्यों ने शिरकत की। टेलीविजन जगत की पॉपुलर एक्ट्रेस माही विज भी कोरोना महामारी की चपेट में आ गई। एक्ट्रेस ने इस बात की जानकारी बकायदा वीडियो पोस्ट कर दी। इतना ही नहीं, माही ने यह भी खुलासा किया है कि वह इस समय खुद को कैसे ख्याल रख रही हैं, साथ ही क्या क्या एहतियात बरत रही हैं। श्रीगंगानगर में कुख्यात अपराधियों एवं गैंगस्टरों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के क्रम में बुधवार देर रात थाना कोतवाली पुलिस ने नाकाबंदी में लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गों को हथियारों सहित दबोच लिया। पुलिस से बचकर भागने के चक्कर में बाइक से गिरे बदमाशों के पैर में चोट आई। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के मामले पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया, जिस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने खुशी जाहिर की है और जर्मनी के विदेश मंत्रालय को धन्यवाद कहा। हालांकि इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर कहा कि भारत किसी भी आंतरिक मामले पर विदेशी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ।